गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का, मैं नादी गौतम। कैसे हो भाई सब लोग? सब लोग ठीक हो? कल तो देखो प्रॉपर क्लास हो नहीं पाई, बहुत देर स्टार्ट ही करते रहे उस क्लास को, तो अभी जो क्लास है हम लोग वो कर लेते हैं और एक बार चेक कर लो। वैसे तो सब ठीक है, अभी मेरे को दिख रहा है सब प्रॉब्लम है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दो सेशन को, एक बार जल्दी शेयर को सेशन को शेयर कर दो, है ना। हाँ, कौन कौन आया भाई? अमित शर्मा जी, दीपा चौधरी, जो भी बच्चे हैं बेटा एक बार जल्दी शेयर कर डालो, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, चलिए तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार शेयर कीजिए प्यार से, जल्दी से। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम, और जय हनुमान, जय भगवान, जय ईश्वर, जय अल्लाह, जो भी है सारे सबकी जय है कि नहीं। तो करते हैं बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं नवीन। ठीक है भाई, सब लोग एक बार जल्दी शेयर कर डालो, मैं सेशन कर रहा हूँ अपना स्टार्ट। और बाकी आज हमारी अनअकैडमी वाली जो क्लास रहती है स्पेशल फ्री क्लास, वो नहीं रहेगी, कल रहेगी। जो फ्री सेशन इसका मैंने बताया था आपका स्पेशल वाला, वो आपका फ्री सेशन कल रहेगा। कल आपका 5 to 6 में आप लोग ज़रूर रहना उसमें, ठीक है ना। 5 to 6 PM कल भी था, अब आज के बाद जो कल एक मतलब उसको ऑल्टरनेट डेज में हम लोग रखेंगे, तो अब जो मिलेगा वो आपको कल सेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसके बाद हमारा जो चैनल है CBSE की क्लासेस के लिए, वो 9 से 12 तक के लिए, उस पर भी यही अनअकैडमी पर आप मेरा कोड यूज़ कराइए, जो कि क्या होता है भाई, Anadi10। डिफेंस एग्ज़ाम और के लिए होती है ये क्लास हमारी, 11 AM पर डेली हम लोग मिलते हैं, किसमें? जय हिंद। जो हमारा क्या होता है लाइव टेस्ट एग्ज़ाम होता है, उस चैनल पर हम लोग बात करते हैं। आप परफेक्ट हैं? ठीक है भाई सागर बाबू, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक। जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें भूमि की जो राजस्व दर है वो क्या है, मतलब अब नहीं, ये पहले के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना। वैसे जनरल वे में कितनी होती थी उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, तो मैं आप लोग बोल रहे हैं कि सर कितना बफरिंग हल्का सा हुआ था, वो ठीक हो गया बेटा, वो स्टार्ट करने में एक बार होता है ना, अभी ठीक है, हल्का सा स्टार्ट करने में जो होता है वो वाला बफरिंग था, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा हुआ था वो, मैं यही चेक कर रहा था, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा होता है कई बार, मेरी क्लास में थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार ज़्यादा होने लगता है इस टाइम पर, तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ठीक है कि नहीं, अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है। सागर, ज्योति, दीपा, सब ठीक है बेटा, आप ठीक हो ना? चलिए तो चलो भाई करते हैं जल्दी से। आप लोग बोल रहे हैं 1/3, देखो इसमें दो आंसर आते हैं बेटा, अगर कहता है धार्मिक पुस्तकों के अनुसार कहता है, जनरल बुक की बात करें तो 1/3 होता है, जनरल बुक की बात करें तो 1/3 होता है, लेकिन अगर वो कहता है रिलीजियस बुक की बात करता है तो रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग कितना होता है, 1/6 होता है, तो दोनों पॉइंट में ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा फिर क्या आना चाहिए भैया, अब ये क्योंकि बोल रहा है रिलीजियस बुक, ये क्या बोल रहा है दोनों में, ये आपका रिलीजियस बुक बोल रहा है, ठीक है, तो रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो कौन सा वाला आ जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा कौन सा, वो आ जाएगा आपका 1/3 आंसर आ जाएगा बेटा आपका, 1/6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे अगर कहता है कि कितना था भू राजस्व की दर, कितनी होती थी किसके टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, किसके टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, या मुगलों के टाइम पर, ठीक है ना, या उसके बाद ब्रिटिश ने भी फॉलो किया था उस सिस्टम को काफ़ी दिन तक, तो उसमें 1/3 हुआ करती थी, कितनी होती थी उसमें भाई, उसमें 1/3 होती थी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, अब सही है क्लास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध क्या मिली है भैया, एक मोहर मिली है जिस पर बैल बना हुआ है, बुल है, क्या बना हुआ है। हाँ, आज लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं विकास, कोई दिक्कत नहीं, आगे एक क्वेश्चन निकला है बस। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट From where is the famous bull seal of Indus Valley Civilization? मतलब बहुत सारे वहाँ पर जो साइट मिली हैं अलग अलग में अलग अलग चीज़ें मिली हैं, तो क्या हड़प्पा वाला शहर था, मोहन या फिर चौंदड़ो था, या लोथल था, या मोहन जोदड़ो था, तो इसमें जो सही आंसर है जिस पर क्या मिला है, बुल सील, सील के ऊपर मतलब मोहर के ऊपर एक बुल बना हुआ है, तो वो है भैया आपका कौन सा, मोहन जोदड़ो है। कहाँ पर है फिलहाल ये, पाकिस्तान में, कहाँ पर है ये फिलहाल, पाकिस्तान में। अगर स्टेट इसका पूछता है तो भाई स्टेट है इसका सिंध, और अगर वो कहता है सिंध है ना, अगर वो कहता है रिवर कौन सी है, अगर कहता है रिवर कौन सी है, तो रिवर है भैया सिंधु, जिसका एक नाम आपका होता है इंडस, ठीक है। सेम जो लोकेशन है ये भी है,
चौंदड़ों की भी यही सेम लोकेशन है, वो भी सिंध स्टेट के अंदर पड़ता है, वो भी किसके अंदर पड़ता है, सिंध स्टेट के अंदर पड़ता है और वही सिंधु इंडस रिवर के किनारे पे है। ये आपका लोथल जो है ये अपना अहमदाबाद में है ना, मतलब गुजरात समझ लेते हैं, गुजरात बात कर लेते हैं, और हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान में, हड़प्पा नाम की जो जगह है ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और इसका जो स्टेट अगर आता है तो वो पंजाब स्टेट है, कौन सा स्टेट है, पंजाब। और भाई रिवर जो है उसका नाम है, रिवर है आपकी रावी, क्या नाम है, रावी रिवर है। चलिए नेक्स्ट बात है, अलबर्नी केम टू इंडिया विद, अलबर्नी नाम का एक बंदा जिसका पूरा नाम था अबू रेहान अलबर्नी, क्या नाम था, अबू रेहान अलबर्नी, इसने एक बुक लिखी है अबू रेहान अलबर्नी ने, इंडिया का इतिहास लिखा है समझ लो। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था CDS में कि अलबर्नी का पूरा नाम क्या था, तो अबू रेहान अलबर्नी बेटा इसका पूरा नाम था, ये आपका CDS का क्वेश्चन है ना, डिफेंस के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, मैचिंग में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बंदा है भाई ये कहाँ से आया था, ये आपका अफगानिस्तान वाले पार्ट से घूमता फिरता इंडिया आ गया था, किसके साथ में, महमूद गजनवी के साथ आया था, ये आपका 2007 के UPSC IAS के एग्ज़ाम में आया था, या तो 7 में आया था या 2009 में आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन इन दोनों में से किसी के साथ आया था ये क्वेश्चन जो था कि किसके साथ आया था यही पूछा गया था। इसकी जो बुक है मैं उस बुक का नाम लिख दे रहा हूँ है ना, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करो इसका। इसकी जो बुक है उसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है किताबुल ए हिंद। इसकी जो बुक है जो इसने बुक लिखी है उसका नाम है किताबुल ए हिंद, उसी बुक को बोलते हैं क्यू से या के से तहकीक ए हिंद, क्या कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी उसी बुक का दूसरा नाम है। तो किताबुल हिंद मतलब हिंद किसका, हिंद का इतिहास, किताबुल मतलब एक जिल्द है ना, किताबुल ए हिंद और उसी बुक का नाम है भाई तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ठीक है ना, तहकीक ए हिंद, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उससे पहले मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा कल की क्लास की वजह से, क्योंकि कल गड़बड़ हो गई थी अब नहीं होगी। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्री दैट हैव अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू करेंसी, करेंसी का नाम है इको। मैंने इस पर आपको रात को 8 बजे या सुबह का जो 10:45 एक सेशन होता है उस सेशन में कंप्लीट कराया था, क्या होती है कैसे होती है, शायद रात को 8 बजे वाले सेशन में कराया था। तो इन देशों में से कौन सा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसमें 8 अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने एक ही करेंसी अपना लिया जिसका नाम है इको, है ना। तो इनमें से वो कौन सा देश नहीं है जिसने नहीं अप्लाई, इवन माली ने अप्लाई, नाइजर ने या सेनेगल ने, तो कौन सा कंट्री है जिसने नहीं की, फिर मैं अभी लिस्ट बता दूंगा। वैसे मैंने आपका ये क्वेश्चन आपको पहले करा रखा है अलग क्लास में, नोटिफिकेशन नहीं आता एक बार बेटा बोलूँगा मॉर्निंग में, हाँ इसकी PDF मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, PDF में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो कौन सा होना चाहिए, लाइबेरिया इज द करेक्ट आंसर, लाइबेरिया जो इसमें मेंबर नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से देश शामिल हैं और कब से स्टार्ट हुआ है, 21 दिसंबर 2019 को किया गया था, पहली बात क्या आती है 21 दिसंबर 2019 को किया गया था। संबंधित देश है भाई इसमें माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन टोगो बुरकानी फासो और गिसी बसाओ आइवरी कोस्ट, कुल मिला के ये 8 आपके देश हो गए। इसके नेक्स्ट उस पे स्लाइड पर आपको इंग्लिश मिल जाएगी। मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम इको है, ठीक है, आपकी 2020 से ही शुरुआत हो रही है। वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा है CFA चल रही थी अभी तक, वहाँ पर क्या है जो फ्रांस है, फ्रांस की पहले हस्तक्षेप से चल रही थी, अब फ्रांस का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति उस टाइम पर थे इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने ऐसा कहा था, 7 देश जो हैं भैया वो पूर्व क्या है उपनिवेशक इसके फ्रांस के, 7 देश इसमें से, लेकिन एक जो देश है कौन सा, गिनी वाला, गिनी बिसाउ, ये जो गिनी बिसाउ है ये फ्रांस का उपनिवेश नहीं था। तो ये इसकी आपकी इंग्लिश सामने यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार इस पर आप लोग नज़र मार लेना, है ना, इसकी डिटेल आपको यहीं पर मिल गई है, ठीक है बेटा। हाँ इसको शेयर लाइक कर दो, और बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास भी अपनी सही चल रही है, बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कहता है हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट वर इलेक्टेड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन, हाल ही में, हाल का मतलब 3-4 महीने पहले हुआ होगा या 5-6 महीने पहले हुआ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल ही हुआ हो, हाल ही में संपन्न यूनाइटेड किंगडम मतलब जो लेटेस्ट चुनाव है के आम चुनाव में भारतीय मूल के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए।
इंडियन मूल के यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन की बात कर रहा है कि ब्रिटेन में कितने उम्मीदवार थे, कितने कैंडिडेट थे जो इलेक्ट हुए, 15, 14, 13 या 12, जल्दी जल्दी बताते रहो बेटा। कौन कौन है? तमन्ना खान। हाँ जी, तबीयत बेटा सुबह से ऐसी हो रही है आज, आधा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, कोल्ड हो गया, सर दर्द हो गया था, अभी हल्का सा ठीक है। मिल जाएगी बेटा पीडीएफ, है ना, अंशुल मिल जाएगी, अमित शर्मा, दीपा चौधरी, गजनी। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन था आपका, है हाँ जी, 15 है बेटा इसमें, 15 है, 14, 12 नहीं है, 15 इसका करेक्ट आंसर है। देख लो भाई क्या लिखा है, दिसंबर में हुआ था ये, रिजल्ट आया था 12 दिसंबर 2019 को, कौन से हाउस का, हाउस ऑफ कॉमन्स का। हाउस ऑफ कॉमन्स ऐसी है जैसे जैसे इंडिया में लोकसभा, जैसे क्या होता है इंडिया में लोकसभा हमारा जो होता है, सेम उसका इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, आम जनता पार्टिसिपेट करती है, और 15 टोटल थे जिनमें से कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के साथ साथ हैं, मतलब दो ग्रुप में हो गए, लेबर पार्टी के 7, कंजर्वेटिव पार्टी के 7, लिबरल पार्टी की तरफ से 1, लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका 1, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट ये कि नॉटिंघम ईस्ट नाम की एक निर्वाचित सीट है, उससे नादिया विटकॉम सबसे कम उम्र की सांसद बनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी झील है, इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा है जो दो राज्यों में है, दो राज्यों में है, मतलब दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द शेयर बाई टू इंडियन स्टेट, चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट, फिर मैं इनके स्टेट बताऊंगा, आप लोग इसका जल्दी आंसर कर दो भाई। रणछोर बताओ बेटा, दिल्ली, विकास, विकास बेटा बताता हूँ, देखो दिल्ली से जो न्यू दिल्ली बनी थी ना, विकास आप जो बोल रहे हैं आपका आंसर बता देते हैं बेटा, दिल्ली जो से न्यू दिल्ली जो शिफ्ट कर दी गई थी, ये मैंने किसी ना किसी क्लास में ज़रूर बताया होगा, 1931 में कर दी गई थी, है ना, नई दिल्ली बस के तैयार हो गया था, नया शहर बस के तैयार हो गया था। हाँ जी, तो इसका आप लोग आंसर बोल रहे हो भाई, कौन सा आंसर दे रहे हो आप, पुलिकट बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है बेटा, पुलिकट जो है भैया ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों शेयर करते हैं, है ना, पहले तो एक ही था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करते हैं, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु करते हैं, दोनों शेयर करते हैं। अच्छा, पहले की अगर आप लोग बात करें कि चिल्का पहला जो है वो कौन सा है, कोलेरू कौन सा है, लोनार कौन सा है, तो चिल्का आपको पता ही होगा सबको, उड़ीसा में आती है ना, कोलेरू जो है भैया वो आपकी कहाँ पर आती है, कोलेरू जल्दी से बता दो, कोई बता सकता है, तो आंध्र प्रदेश की है ये भी, है आंध्र प्रदेश की है। लोनार भाई जो है, लोनार आपकी है कहाँ की, महाराष्ट्र की है, लोनार जो है वो आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो सारे के सारे ध्यान में रखना आप लोग, कौन सी कहाँ पर है, ऐसा एक बार लोकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है ज्योति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, पुलिकट बिल्कुल ठीक है भाई, रणछोड़दास सागर सारे बच्चे अनअकैडमी में नहीं कराए, क्या नहीं कराए बेटा, 100 आर्टिकल 100, वो तो एक्चुअली कुछ कुछ कभी कभी छूट जाता है, ऐसा भी नहीं है, है ना, किसी ने स्क्रीन तो क्लियर आ रही है भाई, मैंने अपने मोबाइल पर चेक कर लिया, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वाले का रेजोल्यूशन बढ़ा लो बेटा। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट कहता भाई, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उनके मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल्स, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट, कौन सा होता है भाई, 20, 19, 18 या 17, ये बेटा आपका आर्टिकल नंबर 17 है जिसमें आपका लिखा होता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या लिखा होता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्या होता है भाई, इसका सिंपल सिंपल मतलब है अस्पृश्यता का अंत, क्या मतलब इसका, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब होती है छुआछूत, तो छुआछूत का जो अंत होता है, आप छुआछूत का अंत कर दो तो सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, इसीलिए आपका आर्टिकल नंबर 17 हो गया, ठीक है ना, आज याद दिला देना, आज उसमें करा देंगे, ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री या सेमी डेमोक्रेटिक, कैसी होती है, हम बात करेंगे अभी, है ना, तो कौन सी होती है जल्दी से बता दीजिए, आपको सबको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ देखो प्रेसिडेंट तो होता है लेकिन ये नहीं कि सारा कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, हमारे यहाँ पर
हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट का ही पार्ट राष्ट्रपति होता है भाई। जब आप पार्लियामेंट को देखते हो वही तो नियम कानून बनाती है हमारे लिए, हमारी जो संसद है जो आर्टिकल नंबर 79 में मेंशन की गई है ना। कौन सा आर्टिकल है? 79 नंबर का आर्टिकल है बेटा। तो इसमें आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं जिनका आर्टिकल 52 होता है, उसके अलावा राज्यसभा होती है जिसका आर्टिकल आपका 80 होता है, उसके अलावा आपका आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग आपकी लोकसभा होती है, ठीक है ना। तो तीनों से मिलके हमारी बनती है, यही हमारा सब कुछ चलाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट तो है बट प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। निम्न में से कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, सबसे पहला है, ऐसा भी पूछ सकता है। सबसे पहला कौन सा है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा और अर्लीएस्ट वेदा। ओल्डेस्ट वेदा और अर्लीएस्ट वेदा मतलब सबसे पहला प्रथम वेद कौन सा है? तो भाई जो प्रथम वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें आपके 10 मंडल हैं। मंडल होते हैं पार्ट, है ना, 10 मंडल, मंडल ही लिखा मिलता है। और 1028 हैं HYMNS हाइम्स या सूक्त इसको बोल देते हैं, ठीक है। और मतलब इसके सब पार्ट हो गए ये वाले। और इसी में आपके 10,500 कहीं कहीं 10,462 भी लिखा मिल जाता है। ये आपके क्या हैं भैया? ये आपके वर्षिज हैं। वर्षिज जो होते हैं वो होते हैं श्लोक। वर्षिज आपके क्या हो गए? श्लोक, ऋचाएं, वो आप समझ लो। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे बाद वाला अथर्ववेद है, सेकंड नंबर सामवेद, थर्ड नंबर यजुर्वेद। भारतीय नौसेना के द्वारा कितनी पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई है? हाउ मेनी सबमरीन आर प्लान्ड टू बी बिल्ट बाई द इंडियन नेवी। बात करेंगे कब तक के लिए बात की गई है, 24, 14, 18 या 20, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी बता दो। सब बहुत बढ़िया चल रहा है, क्लास में क्वेश्चन भी ठीक ठाक हैं, इसमें अच्छे वाले हैं, है ना। आप लोग बस एक बार प्यार से एक बार शेयर कर दो इसको, एक बार आप इसको प्यार से और शेयर कर दो मेरे लाल। कौन सा करेक्ट आंसर है भाई? 24 है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 24 है। निर्माण हेतु प्रस्तावित पनडुब्बियों की संख्या है 24, जिनमें से 18 हैं कन्वेंशनल मतलब होती है परंपरागत, और 6 हैं भाई न्यूक्लियर, है ना। 24 में से 18 हैं परंपरागत कन्वेंशनल और 6 हैं न्यूक्लियर। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कितनी है? 15 हैं। अभी टोटल मार के कितनी पनडुब्बी हैं, कितनी सबमरीन है हमारे पास में भाई? अभी हमारे पास नेवी के पास में 15 है, जिनमें से 13 है परंपरागत और 2 है नाभिकीय, है ना। भारत की 2 नाभिकीय पनडुब्बियाँ जो हैं वो पूछा जा सकता है। एक है INS अरिहंत, है ना, और एक है INS चक्रा, जो हमने किससे ले रखी हैं? रसिया से ले रखी हैं। जो हमने किससे ले रखी है बेटा? रसिया से ले रखी हैं, ठीक है। तो 24 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट कहता है, हाल ही में एक अंतर तारकीय धूमकेतु सौर मंडल से गुजरा, जिसका नाम क्या है? रिसेंटली एन इंटर स्टेलर कॉमेट पास थ्रू द सोलर सिस्टम, या वो समझ लो जिसको आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हो। पता लगा, आप ऊपर देख रहे हो, ज़्यादा ही खुश हो गया, कल दुआ आप मांग रहे हो कि हे भगवान, हे खुदा, हे ईश्वर, ये वाली चीज़ हमारी हो जानी चाहिए, भगवान SSC में सिलेक्शन करा दो, डिफेंस में सिलेक्शन करा दो, IAS बनवा दो। पता लगा पास में आके गिर गया, है ना, दो चारों को लेके चला गया। ऐसे होता है, रसिया में गिरे थे बहुत सारे, काफ़ी लॉस भी हो गया था, कई बार ज़मीन पर नीचे तक आ जाता है बेटा। बिल्कुल ले आएंगे भाई विमान से सेलेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे विमान वाले क्वेश्चन जो है ना अंशुल, मैंने रात को जो 8 बजे वाली क्लासेस में डिफेंस पहले एक्सरसाइज कराई थी, अभी डिफेंस के मैं आर्म्स वगैरह उसमें करा रहा हूँ, तो एक बार उसमें भी आप देख सकते हो। तो भाई इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? क्या है? 2i बोरिसोव। आपका जो सही आंसर है वो यही वाला है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, है ना। करेक्ट आंसर यही है, प्रथम अंतर तार के धूमकेतु है, किसी अन्य तारे से सौरमंडल में प्रवेश करने वाला प्रथम चिन्हित धूमकेतु। सौरमंडल ने से गुजरने की तिथि थी दिसंबर 2019 और स्पीड ये है, दूरी जो थी 180 मिलियन माइल थी, ठीक है ना। इसका जो खोजकर्ता है वो गेनाडी बोरिसोव, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बोरिसोव रख दिया गया। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाल ही में किस बैंक को ग्रामीण रोजगार हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड 2018-19 के लिए प्रदान किया गया है? लेटेस्ट है, 18-19 में उसने काम किया था, बहुत बेहतर, तो अभी यही रिपोर्ट हमारे पास आई है, ठीक है। तो कौन सा वाला बैंक है भाई? सर जी जो संस्कार होते हैं 16, उससे भी प्रश्न बनता है, हाँ बन जाता है भाई, 16 संस्कार से प्रश्न बन जाता है बेटा, ठीक है। तमन्ना जी ले आएंगे भाई, ले आएंगे, ठीक है। CISF से रिलेटेड देखो, ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि CISF में ये क्वेश्चन ही आएगा भाई, ये तो सारे एग्जाम के लिए रहता है, डिफेंस का आपका कोई भी एग्जाम हो। तो ये भाई आपका आंध्रा बैंक, क्या है? आंध्रा बैंक है जिसको मिला था, तो लिखा है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड 2018-19 के लिए मिला भाई, दिसंबर 2019 में दिया गया है, आंध्रा बैंक ने
बढ़िया काम किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री, उन्होंने किया है किसान कल्याण मंत्री 2018-19 के लिए। इन्होंने क्या किया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि ग्रामीण स्वरोजगार जो हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और केरल में 14 स्टार्ट किए हैं। कितने स्टार्ट किए हैं, 14 स्टार्ट किए गए हैं इस बैंक की तरफ से। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बेटा CHSL के लिए भी सूटेबल है विकास, ये सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ADB का हेड ऑफिस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मनीला में। तो कौन है भाई वो, लिखा है मासा मातात्सुगु या डेविड मालपास या उर्सुला वन डेयर लेयर या फिर आपका क्यू डंग्यू। तो कौन है भाई इसका जो सही आंसर, आपका सही आंसर आपका ए होना चाहिए, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है लिखा है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार रहे ये पहले, मतलब ये कहाँ से हैं, जापान से हैं, जापान वाले ही पहले हटे हैं, इनसे पहले थे ताकाहिको नकाओ, ठीक है ना। और मनीला में हेड ऑफिस है, मनीला में इसका हेड ऑफिस है। दिसंबर 2019 में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 जो समाप्त हो चुका है ना, अब तो भाई आपका कौन सा चल रहा है, 21-22 स्टार्ट हो चुका है, नहीं 20-21 है, अब 2020-21 है आपका, अभी जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है अप्रैल से मार्च के लिए। तो 19-20 जो था उसके भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को घटाकर कितना कर दिया था, दिसंबर में किया गया था, बाद में इससे भी डाउन हो गई, पहले कितनी थी, अब 5. कितनी कर दी गई थी, 1 कर दी गई थी, है ना, 5.1 कर दी गई थी, पहले 6.5% थी, ठीक है, 5.1 कर दी गई थी 6.5% से कम करके, उससे पहले 7.2% थी, अभी फाइनल आ जाएगी कुछ दिन में तो और डाउन बताई जाएगी। क्यों, क्योंकि काफ़ी दिन से काम धंधे सब बंद पड़े हैं, तो 31 मार्च तक की जब फाइनल दिखाई जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगी। नीति आयोग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, PDS होता है आपकी जो राशन की दुकान होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे और कम आ जाएगी। हाँ थोड़ी सी बफरिंग हुई थी, अभी ठीक है, मैं भी सोच रहा था बच्चे कहाँ भाग गए, अभी ठीक है, हल्की सी हुई थी, है ना, अभी ठीक है, अभी ठीक है, जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन कराता हूँ, अभी ठीक है बेटा, हल्की सी हुई थी, सही हो गई अभी, है ना। तो जो लोग प्रेसिडेंटशिप का शपथ लेने गए थे एक बार उनको वापस बुला लो फिर से, जो बच्चे चले गए प्रेसिडेंटशिप का शपथ लेने के लिए उनको वापस बुला लो जल्दी से, ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है बेटा, हल्का सा हुआ था, फिलहाल सही है ना। नाउ ओके, नाउ ओके, आप देख लो, आप लोग भी अपना एक बार रिफ्रेश कर लो, अब सही है ना, हाँ ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, तो भाई लिखा है कि राशन की जो दुकान है बेटा, राशन की दुकानों पर क्या क्या इनमें से मिलता है, मिलेगा, मिलता तो बहुत कुछ है, मिलेगा क्या क्या, तो प्रस्ताव चल रहा है, अगर प्रपोजल ये अप्रूवल मिल गया, अब तो दिक्कत है थोड़ी देर में, हाँ PM बनने गए हैं वो लोग, तो अंडा मतलब एग, मछली जहाँ पर मछली चलती है ना, और चिकन मीट, ये सब मिलेगा, ये सब की बात कर दी है, सोचो सारी चीज़ें मिलेंगी, आराम से खाओ पियो मौज करो, हैं कि नहीं, ये सब कुछ मिल जाएगा। क्यों दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि भाई कम पोषण है भारत में, जिससे रैंकिंग में सुधार आ जाएगा। कहते हैं जारी होने की तिथि आपकी जनवरी 2020 है, कुछ एरिया में ट्रायल बेसिस किया गया था, है ना, कब से करना था, 1 अप्रैल से करना था, लेकिन अभी नहीं हो पाया, अब ये टाल दिया, अब ये थोड़ा सा डिले कर दिया। क्यों कर दिया, आपको पता ही है जो देश की हालत चल रहे हैं उसकी वजह से। ये जारी होने का मतलब इशू किया जा रहा था कि भाई कब से किया जाएगा, आपका 1 अप्रैल 2020 से होगा, लेकिन कोरोना के चक्कर में ये कुछ दिन के लिए टल गया है, बहुत सारे लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। हाल ही में देश भर में चलाए गए ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है, एक वन्य जीव है ना, उसके संरक्षण से है। तो रिसेंटली ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट रन एक्रोज इन द कंट्री रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ। तो भैया कौन सा होता है, तेंदुआ नहीं, वो आपका नेवला, किससे किया गया है, नेवला से किया गया है, जो नेवला है उसको बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये चलता है, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में लोग इसकी बहुत कालाबाजारी कर रहे थे, इसको मार के इसके बाल निकाल के उससे ब्रश बनाए जाते हैं, इसे क्या बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इसके ब्रश की बहुत डिमांड होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया, गैरकानूनी बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकना, जिसके द्वारा वन्य जीव अपराध संरक्षण ब्यूरो के द्वारा ये किया गया, WCCB के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो छापा मारा गया शेरकोट नाम की जगह है, बिजनौर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर पेंट ब्रश जो बनाए जाते हैं उनके कारखाने थे, वहाँ पर बहुत सारे नेवलों को लेके आते हैं, उनको मारते हैं,
और उनके ऊपर जो बाल लगे होते हैं, मतलब उनके हेयर, बाल का मतलब उनके जो हेयर हैं उनसे, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में फुलर नाम की झील है? कौन सी झील है भैया? फुलर झील है। भारत का कौन सा स्टेट है जिसमें फुलर झील है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये आपकी? ये आपकी उत्तर प्रदेश में फुलर झील, ठीक है। फुलर झील जो है वो कहाँ पर है? वो आपकी यूपी में है, ठीक है। जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या है? सेक्युलर जो वर्ड है, जो हमारे प्रियम्बल में भी यूज़ हुआ है, आर्टिकल 25 में भी यूज़ हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है भैया? उसका मतलब है भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, ये वाला है ना। देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब देश का हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, हमारा जनता का, पब्लिक का, सबका अलग अलग हो सकता है। इलायची की पहाड़ियाँ जो कार्डामम हिल्स हैं, वो आपकी कौन से स्टेट का बॉर्डर शेयर करती हैं? किस किस स्टेट का बॉर्डर शेयर करती हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डर शेयर करती है? कर्नाटक तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक केरला, केरल तमिलनाडु, या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? कौन सा स्टेट है जल्दी से बता दो। तो इसका आता है भाई केरल और तमिलनाडु, के टी, है ना, के टी याद रख लेना, लेकिन के में कर्नाटक नहीं होना चाहिए आपका, कार्डमम में केरल और तमिलनाडु। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली, मतलब दी जाने वाली हमारी जो नागरिकता है, हमारी जो क्या है, सिटीजनशिप है, वो हमको कैसी दी गई है? ड्यूअल, सिंगल या बोथ? तो हमारी दी गई है भाई सिंगल। और क्वेश्चन आता है कहाँ से ली गई है? टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम कहाँ से? ब्रिटेन। कहाँ से ली है बेटा? ब्रिटेन से ली गई है। हम लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना, राज्य के नहीं होते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दो में दी गई है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में, ठीक। तो बस भाई आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, 6:30 वाली क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। बाकी अनअकैडमी पर मेरे साथ आप जुड़िए। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, जो गोल आप सेलेक्ट करेंगे उस गोल में, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका डिफेंस हो, कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है, UGC नेट, जिसका जो भी है, कोई भी हो, CISF, एयरफोर्स, NDA, CDS, सब आपको डिफेंस में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट जो फी पे करने की बात आती है, तो उसमें आपको हमारा कोड यूज़ करना होगा, ANADI10 ANADI10। ये कोड जैसे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या मिल जाता है? उससे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ठीक है भाई, बाकी ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम सेशन है वो यहीं से करते हैं। जाते जाते इसको एक बार ज़रूर शेयर करके जाना, जाते जाते आप इसको एक बार ज़रूर से शेयर कर जाना बेटा, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल सेशन करते हैं बंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।